नमस्कार, आज का कारोबार में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्मृति मुद्दल। नमस्कार, मैं हूँ दीप पाल। कितना अच्छा हो कि अगर आप अपनों को जो तोहफा दे वो पारंपरिक हो और अनोखा भी। बात चल रही है सोने की, तो आज हम आपको ऐसी पेंटिंग प्रदर्शन में ले चल रहे हैं जिसमें सोने का इस्तेमाल हुआ है। मुंबई में लगी कन्हाई आर्ट की ये प्रदर्शनी अब तक की सबसे बड़ी सोलो प्रदर्शनी है। इसमें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी करीब 150 पेंटिंग लगी हैं। इनकी सबसे खास बात है सोने का इस्तेमाल। इसके अलावा इन पेंटिंग्स के चेहरे के भावों पर भी काफी जोर दिया गया है। कन्हाई पेंटिंग की खासियत ये है कि इसमें चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अहमियत रखते हैं। आप देखेंगे हर पेंटिंग के एक्सप्रेशन अपने अलग हैं, और बाल कृष्ण के हैं तो अपने अलग हैं, राधा कृष्ण के हैं तो अपना अलग हैं, युवा कृष्ण के हैं तो अपने अलग हैं। कृष्ण की जो जो मुद्राएं हमारे शास्त्रों में लिखी है उसे हमने की है कि वो आपके सामने लेके आए। इन कन्हाई पेंटिंग्स को चाहने वाले भी कम नहीं हैं। पहले दिन ही इस प्रदर्शनी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक भी सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लग रहा है जिसको देखो लग रहा है कि यही बहुत सुंदर है, और वास्तव में बहुत सुंदर बने हैं। जो श्रृंगार है, जो भाव है, सब्जेक्ट है, सब बहुत अच्छा बना है। इस प्रदर्शनी में सबसे खास थी 2 करोड़ रुपए की कृष्ण पेंटिंग। इसके अलावा मॉडर्न और फ्यूजन पेंटिंग भी शामिल की गई है। ये प्रदर्शनी 8 नवंबर तक चलेगी। नरेश सोनी, मुंबई। आगे देखिए आवाज समाचार। नमस्कार। नमस्कार, ये है नेटवर्क 18। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। सुबह की शुरुआत कीजिए हमारे साथ सुबह लक्ष्मी में। मैं हूँ प्रियंका संभव। नमस्कार, मैं हूँ नरेश सोनी। शुरुआत करता हूँ कि अपनों को जो तोहफा दे वो पारंपरिक हो और अनोखा भी। बात चल रही है सोने की, तो आज हम आपको ऐसी पेंटिंग प्रदर्शनी में ले चल रहे हैं जिसमें सोने का बखूबी इस्तेमाल हुआ है। मुंबई में लगी कन्हाई आर्ट की ये प्रदर्शनी अब तक की सबसे बड़ी सोलो प्रदर्शनी है। इसमें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी करीब 150 पेंटिंग लगी हैं। इनकी सबसे खास बात है सोने का इस्तेमाल। इसके अलावा इन पेंटिंग्स के चेहरे के भावों पर भी काफी जोर दिया गया है। कन्हाई पेंटिंग की खासियत ये है कि इसमें चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत अहमियत रखते हैं। आप देखेंगे हर पेंटिंग के एक्सप्रेशन अपने अलग हैं, और बाल कृष्ण के हैं तो अपने अलग हैं, राधा कृष्ण के हैं तो अपना अलग हैं, युवा कृष्ण के हैं तो अपने अलग हैं। कृष्ण की जो जो मुद्राएं हमारे शास्त्रों में लिखी है उसे हमने की है कि वो आपके सामने लेके आए। इन कन्हाई पेंटिंग्स को चाहने वाले भी कम नहीं हैं। पहले दिन ही इस प्रदर्शनी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक भी सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लग रहा है जिसको देखो लग रहा है कि यही बहुत सुंदर है, और वास्तव में बहुत सुंदर बने हैं। जो श्रृंगार है, जो भाव है, सब्जेक्ट है, सब बहुत अच्छा बना है। इस प्रदर्शनी में सबसे खास थी 2 करोड़ रुपए की कृष्ण पेंटिंग। इसके अलावा मॉडर्न और फ्यूजन पेंटिंग भी शामिल की गई हैं। ये प्रदर्शनी 8 नवंबर तक चलेगी। नरेश सोनी, मुंबई। है एक और ब्रेक का, और एशियाई बाजारों में कैसा हो रहा है कारोबार, अपडेट लेंगे इस ब्रेक। मुंबई में कला के कद्रदानों के लिए एक खास तरह की पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें सोने, चांदी और रत्नों से जड़ी भगवान कृष्ण के चित्रों को पेश किया गया। भक्ति और कला से भरपूर इस प्रदर्शनी को देखने के लिए जानी मानी हस्तियां भी पहुंची, जिनमें प्रमुख रही लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी और उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी। चांदी और हीरे जवाहरात से चमकती इन पेंटिंग्स को ये मनमोहक रूप दिया है कन्हाई चित्रकारी में महारत रखने वाले चित्रकार कृष्ण कन्हाई और गोविंद कन्हाई ने। कन्हाई पेंटिंग्स के इस प्रदर्शनी में हजारों से करोड़ों रुपयों तक की कीमत वाले पेंटिंग्स को पेश किया गया है। शास्त्रों में वर्णन करो, देखो कृष्ण को पढ़ो, तो लिखा हुआ है कृष्ण का वर्णन कि क्या वस्त्र होता था, कैसा श्रृंगार होता था, कैसे मुकुट होते थे, मुकुट में क्या रत्नों से जड़ा जाता था। तो वो उसको पढ़ के हमने सोचा कि क्यों नहीं कृष्ण को उतारा जाए। तो आपने देखा होगा वो बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स जो हम लोगों ने लगाए हैं, वो आपको लगेगा कृष्ण तो ऐसे ही होंगे। इन खूबसूरत और कीमती पेंटिंग्स को निहारने के लिए कई ग्लैमर से जुड़ी हस्तियां भी आई।
look very rich, so I thought maybe there is gold and some semi-precious stones. So of course it makes it much more valuable. But I don't think, for me, that's not the thing. I feel that they're looking like those classical South Indian paintings, you know, like Tanjore paintings. जिस अंदाज से उन्होंने पेंट किया मुझे लगता है वो बहुत ही यूनिक है और ये पहली बार है जहाँ हम गर्व से कह सकते हैं कि वृंदावन मुंबई में आया है. इनको सजा हुआ देखते हैं, इनको गहनों में देखते हैं तो वाकई में भगवान ही लगते हैं, तो अच्छा लगता है. क्यों तो कला अनमोल होती है, मगर रत्नों से जुड़ी इन बेशकीमती पेंटिंग्स ने दर्शकों को मनमोहक नज़ारा तो दिया ही, साथ ही भारत की पुरानी कला को भी जीवंत कर दिया. कैमरामैन रमेश के साथ तंद्रीमा चक्रवर्ती, जी न्यूज़, मुंबई. आजचा महाराष्ट्रामध्ये आता पुन्हा एक नजर टाकूया ठळक बातम्यांवर. चित्रकलेच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न अनेक चित्रकार करतात, मात्र मुंबईत भरलेल्या एका चित्र प्रदर्शनात कृष्णाची सोनं, चांदी आणि रत्नांनी सजवलेली चित्र मांडण्यात आली आहेत. या प्रदर्शनाला अनेक नामवंतांनी सुद्धा हजेरी लावली. सोनं, चांदी आणि रत्नांनी सजवलेल्या या मौल्यवान चित्रकृती तयार केल्या आहेत कृष्ण कन्हाई आणि गोविंद कन्हाई या प्रसिद्ध चित्रकारांनी. या प्रदर्शनात हजारोंपासून ते कोट्यवधी रुपये किमतीच्या चित्रकृती ठेवण्यात आल्या आहेत. शास्त्रों में वर्णन करो, देखो कृष्ण को पढ़ो, तो लिखा हुआ है कृष्ण का वर्णन कि क्या वस्त्र होता था, कैसा श्रृंगार होता था, कैसे मुकुट होते थे, मुकुट में क्या रत्नों से जड़ा जाता था. तो वो उसको पढ़ के हमने सोचा कि क्यों नहीं कृष्ण को उतारा जाए. तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स जो हम लोगों ने लगाए हैं, वो आपको लगेगा कृष्ण तो ऐसे ही होंगे. हे प्रदर्शन बघण्यासाठी भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पत्नी आणि मुलगी प्रतिभा अडवाणी यांच्यासह अनेकांनी उपस्थिती लावली. It looked very rich, so I thought maybe there is gold and some semi-precious stones. So of course it makes it much more valuable. But I don't think, for me, that's not the thing. I feel that they're looking like those classical South Indian paintings, you know, like Tanjore paintings. जिस अंदाज से उन्होंने पेंट किया मुझे लगता है वो बहुत ही यूनिक है और ये पहली बार है जहाँ हम गर्व से कह सकते हैं कि वृंदावन मुंबई में आया है. इनको सजा हुआ देखते हैं, इनको गहनों में देखते हैं तो वाकई में भगवान ही लगते हैं, तो अच्छा लगता है. या प्रदर्शनातून कलेच्या चाहत्यांना नवीन चित्रकृतींचा नजराणा उपलब्ध झालाय, तर भारतीय संस्कृतीच्या पुरातन कलेची माहितीही अनेकांना मिळाली आहे. झी 24 तासासाठी तंद्रीमा चक्रवर्ती, मुंबई. रिलायन्स उद्योग इथून पुढे ठीक 8 वाजता आपण भेटूया मृदुलासह न्यूज मॉलमध्ये. पाहत रहा झी 24 तास. बाद आपका स्वागत है. और कला के कदरदानों के लिए मुंबई में कान्हा की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी चल रही है. इस प्रदर्शनी में भगवान कृष्ण के सोने और हीरे से जड़ी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया गया है. इसे देखने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा और पत्नी कमला समेत कई जानी मानी हस्तियां पहुंची. फटाफट खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का. मुंबई में पद्म श्री और मिलेनियम अवार्ड विजेता कृष्ण कन्हाई और गोविंद कन्हाई की श्री कृष्ण पर आधारित पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई गई है. नेहरू सेंटर में शुरू हुई इस प्रदर्शनी में भगवान श्री कृष्ण की 150 पेंटिंग्स लगाई गई हैं. पेंटिंग्स में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीलाओं और प्रेम लीलाओं को दिखाया गया है. कीमती पत्थरों और सोने चांदी की इन प्रतिमाओं में गहरे रंग का प्रयोग किया गया है. पेंटिंग्स की कीमत 3 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है. भगवान श्री कृष्ण पर आधारित ये प्रदर्शनी 7 नवंबर तक चलेगी. प्रदर्शनी को देखने के लिए टेलीविजन और फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियां भी पहुंच रही हैं. पेंटिंग्स की बारे में ये रिकॉर्ड होगी.
देखिए एक बात सबसे पहले आपको बताऊं, एक्सप्रेशंस की, भाव की, चेहरे की जो मुद्राएं हैं, कितनी भी मेहनत कर ले, मेहनत करने से आप बड़ी बढ़िया काम कर सकते हो, लेकिन मेहनत करने से एक्सप्रेशंस नहीं आते, वो उसकी कृपा से आते हैं, ये पक्की बात है। रही इसमें और जो ज्वेलरी का काम है, हमने कोशिश की है जो अपना हमारा भारत का ट्रेडिशन है वो और आज के लोगों की जो पसंद है, इन दोनों को मिक्स किया है। और वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का, जिस